एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट सिचुएशन और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सो आज मैं यूज़ करूँगी मेजर अरकाना। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड्स और उसे हम हमेशा की तरह क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। तो देखते हैं कलेक्टिव एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट सिचुएशन क्या चल रही है आज के दिन में, किस एनर्जी में हैं आपके पर्सन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। द एम्परर एंड टावर, एम्परर एंड टावर की एनर्जी आई है, हैवी एनर्जी है आज। 3 कार्ड और लेंगे हम। द वर्ल्ड, ये पहले भी आ रहा था, बॉटम में था और ये वापस आ गया, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। टावर, एम्परर एंड द वर्ल्ड, ईगो वॉर है, ईगो वॉर। 2 मोर कार्ड्स। इतनी हैवी एनर्जी क्यों है महादेव आज के दिन? शक्ति की एनर्जी आ गई यहाँ पे, द हाई प्रीस्टेस। 1 मोर कार्ड। अरे बाप रे, बॉटम से ये भी हैं। वी हैव द जजमेंट। डेविल की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। आज का दिन अच्छा नहीं है आपके पर्सन के लिए, हैवी है। तो आज की जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग जो साइन है वो है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग है। देन वी हैव स्कॉर्पियो, एरीज, स्पाइसेस, लिब्रा एंड द वर्ल्ड का कार्ड है, तो सभी साइंस है, बट एनर्जी आज हैवी है। किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन, किसी तरह का टावर मोमेंट विद द वर्ल्ड, कोई कार्मिक एंडिंग की एनर्जी है। शनि महाराज अभी एक्वेरियस में आ रहे हैं और उनके आने का जो ये एनर्जी है वो बता रही है कि कार्मिक्स एंड होंगे, कलेक्टिवली कार्मिक्स एंड होंगे। क्यों आया है एंजल्स टावर का कार्ड, पहला ही कार्ड टावर। कैसा टावर मोमेंट आपके पर्सन की एनर्जी में, टावर का कार्ड क्यों आया है? 10 ऑफ पेंटिकल्स विद 7 ऑफ सोर्ड्स। डिप्रेशन में है, फैमिली लाइफ में किसी तरह का डिप्रेशन है, फैमिली में इनकी किसी तरह की बैड न्यूज़ या फैमिली से रिलेटेड झगड़े या किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रही हैं। डिप्रेशन की एनर्जी है, यहाँ से भी द वर्ल्ड की एनर्जी है। कैसा डिप्रेशन है, एम्परर क्यों आए हैं? मैंने कहा ना कार्मिक एंडिंग है, कार्मिक साइकिल एंड होगी। वी हैव द वर्ल्ड एनर्जी, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। मैंने अभी आपसे कहा कि बहुत झगड़े वाली एनर्जी है, ये देखिए एनर्जी ही नेगेटिव है। तो ये सडन शिफ्ट है एनर्जी में, मैं थंबनेल में लगा दूंगी ताकि वार्निंग मैसेजेस कुछ हों तो सब लोग देख लें। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है? स्टक सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे आपके पर्सन, बाहर आने की भी एनर्जी है। द चैरियट विद नाइट ऑफ सोर्ड्स। जो भी स्टक सिचुएशन है आपके पर्सन उस स्टक सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, जहाँ भी ट्रैप्ड हैं। हाई प्रीस्टेस क्यों आया है एंजल्स करंट एनर्जी में? एम्प्रेस, मैनिपुलेटिव शख्स जो भी है आपके पर्सन की लाइफ में, या फैमिली इशूज़ या करियर इशूज़, कर्मा साइकिल जहाँ भी है, जिस भी सिचुएशन में कार्मिक एनर्जी है वहाँ पर ट्रिगर होने वाला है। अगर कार्मिक सिचुएशंस मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगी, इनको रोकने की कोशिश करेंगी, तो यहाँ पर कोई बड़ा डिसीजन होने वाला है, बिकॉज जस्टिस एंड जजमेंट दोनों की एनर्जी है। कैसा जजमेंट एंजल्स? मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्स आ रही हैं जैसे जजमेंट के लिए कुछ बड़ी एनर्जी आने वाली है। आई डोंट नो, बस ऐसी वाइब्स आ रही है। वी हैव द मून, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यस, बड़ी एनर्जी मैंने कहा ना, यहाँ पे है यूनियन की एनर्जी। बहुत सारे लोगों के लाइफ में यूनियन होने वाला है। ये जो जजमेंट होगा, ये जो डिसीजन होगा, वो आपके फेवर में होगा।
कार्ड निकलने के पहले ही ऐसी वाइब्स आ रही थी। आपके पर्सन बहुत समय से स्टक थे, बट अब इन्होंने ठान ली है कि अब फियर से रहने में काम नहीं चलने वाला। अब इनको कोई ना कोई एक्शन लेना है ताकि ये अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें और केयर फ्री हो सकें। किसी भी डिसीजन को लेने के लिए केयर फ्री होना बहुत ज़रूरी है। क्यों आया है डेविल? कलेक्टिव एनर्जी। देखो डेविल के लिए द लवर्स का कार्ड बाहर आ रहा है, ये देखो इतना बाहर आया हुआ है। लवर्स को डेविल क्लैरिफाई करता है, डेविल को लवर्स ने क्लैरिफाई किया है। सो ये एनर्जी है, आपके पर्सन रीयूनाइट होने वाले हैं, खुद को प्रिपेयर कर लिया है इन्होंने रीयूनियन के लिए। किसी भी सिचुएशन में स्टक है, वहाँ से मूव ऑन करने की एनर्जी है। तो बहुत सारे लोगों के पर्सन मूव ऑन करेंगे थर्ड पार्टी से, और आपकी तरफ यूनियन की एनर्जी है। सो ये जो भी एनर्जी है ये हैवी ज़रूर है, लेकिन आपके पर्सन और आपके लिए काफ़ी अच्छी है। अगर वार्निंग मैसेज है, अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपको ऐसा फील होता है कि वो आपका कार्मिक है, या वो आपको सिर्फ ट्रिगर ही करता है या करती है, या वो आपको सिर्फ धोखा ही दे रहा है, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई अदर सिचुएशन हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड व्हाटएवर, तो वैसे पर्सन को ट्रिगर मिलने के चांसेस हैं। उस सिचुएशन में ट्रिगर मिल सकता है, सो इट्स अ वार्निंग मैसेज। जय हो महादेव, हर हर महादेव। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या निकल कर आता है। होप कि नेक्स्ट एक्शन में भी यूनियन का कार्ड आए। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। यहाँ पर कार्मिक साइकल्स, स्टक सिचुएशन से बाहर आने की एनर्जी है। पहला मैसेज है ब्लॉकेज, सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं। 3-3 की एनर्जी है एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ ऑल्सो 3, तो हम इस को पूरा करते हैं ताकि इट्स एन एंजल नंबर 333। आपके पर्सन को इतनी विजडम, इतनी नॉलेज, इतना ज्ञान ज़रूर मिल रहा है कि ये ब्लॉकेजेस को हील कर सके। सेलिब्रेशन, कैसा सेलिब्रेशन एंजल्स? सोलर एंड सेक्टरल दोनों ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है ताकि विशेस पूरी हो सकें। क्या विषय? मैरिज, कमिटमेंट। कैसा ट्रांसफॉर्मेशन एंजल्स? डिस्कनेक्ट होंगे थर्ड पार्टी से, हाई प्रेस्टेस, जो भी यहाँ पर कंट्रोलिंग सिचुएशन है वहाँ से डिस्कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या विशेस पूरी होंगी आपकी और आपके पर्सन की, यूनियन की विशेस? यस, यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिस भी वजह से इन्होंने आपको हर्ट किया है, उस सिचुएशन से मूव ऑन करने की एनर्जी है। आपकी विशेस डेफिनेटली पूरी होने वाली हैं गाइस। क्यों आया है 3 ऑफ सोर्ड्स? पावरफुल डिसीजन लेंगे। कुछ ऐसे डिसीजंस भी हो सकते हैं जो इनकी फैमिली को इफ़ेक्ट करें, जो फैमिली को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, सोसाइटी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, इस तरह के डिसीजंस भी हो सकते हैं। सो आज की रीडिंग में 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 आवर्स 3 डेज बहुत सारे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, हैवी एनर्जी हो सकती है। एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है नेक्स्ट एक्शन में? एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स? ब्रेकअप कार्ड आ गया यहाँ पर, रेस्ट एंड रिजुवनेट। जो भी चॉइसेस हैं, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं, कंट्रोलिंग सिचुएशंस हैं, वहाँ पर ब्रेकअप की एनर्जी है, रेस्ट एंड रिजुवनेट की एनर्जी है। तो हो सकता है आपके पर्सन थोड़ा टाइम लें इस सिचुएशन से बाहर निकलने में, लेकिन इन्होंने डिसीजन ले लिया है। देखते हैं आज के दिन में एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड करें। पहला मैसेज है कंसीलमेंट। जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो भी आपके अंदर अगर कोई भी ऐसी एनर्जी है जो कि आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, रिलीज़ करने की ज़रूरत है, उन एनर्जीज़ पर ट्रिगर हो सकता है, तो उसे रिलीज़ करें।
यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड कोई ना कोई आपको गाइडेंस मिल सकती है रिलेटेड विद ईस्ट डायरेक्शन. मे बी कोई एनिमल, कोई स्पिरिट एनिमल, कोई पर्सन, कोई मैसेज, कोई फ्रेंड उस डायरेक्शन से आपको कोई गाइडेंस दे. इंटेंशन की एनर्जी है. आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं एक इंटेंशन सेट करें और मैनिफेस्ट करें. आप में से कई लोगों के लिए ये गाइडेंस है, टैरो गाइडेंस. हो सकता है आप में से कई लोग टैरो के थ्रू काफ़ी गाइडेंस रिसीव कर रहे हैं आपकी जर्नी में. आपके स्पिरिट गाइड्स थ्रू टैरो रीडर्स आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं. इंटेंसिफिकेशन की एनर्जी है. कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटेंस ज़रूर होंगी, कुछ एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा इंटेंस ज़रूर होंगी, लेकिन जो भी चेंजेस आएंगे वो आपके लिए अच्छे आएंगे. कुछ मैजिक क्रिएट होगा. फुलफिलमेंट की एनर्जी है. बहुत सारे लोगों के लाइफ में उनकी विशेस पूरी होने वाली हैं. सो ये जो एनर्जी है आज की, बहुत डिफरेंट एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन हैवी एनर्जी भी है. सो मैं वार्निंग का मैसेज लगा दूंगी ताकि आप सब इस एनर्जी को देख लें. सो होप कि आपसे ये एनर्जी, जितनी भी पॉजिटिविटी है, सब आपसे रेजोनेट करें. रीडिंग पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें. आप में से कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैम नोटिफिकेशन नहीं आया, और जब मैं पूछती हूँ कि आपने बेल नोटिफिकेशन प्रेस किया हुआ है तो उन्होंने कहा कि नहीं मैम हमने तो नहीं किया है. तो आपको नोटिफिकेशन कैसे आएगी? तो आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दिया करें ऑल नोटिफिकेशंस पे, ताकि आपको नोटिफिकेशंस रिसीव हो. थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय बाय.